नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए बेबी स्वेटर लाई हूँ, जिसके लिए मैंने बॉर्डर में 60 फंदे डाल दिए हैं। डिज़ाइनर फंदे डाले हैं और 60 फंदे डाले हैं और 8 लाइन सीधा सीधा बुना है, जिससे 4 उल्टे फंदों की धारियाँ सामने से और 4 धारियाँ पीछे से आई हुई हैं। उसके बाद मैंने 16 सेंटीमीटर 2 लाइन सेकेंडरी कलर से, 2 लाइन प्राइमरी कलर से बुनते हुए 16 सेंटीमीटर कंप्लीट किया है। और 16 सेंटीमीटर हो जाने के बाद 3-3 फंदे दोनों साइड में मुड्ढे के लिए घटा दिया है और इतना बनाने के बाद हमें रोक देना है। उसके बाद हम आस्तीन बनाएंगे और आस्तीन में मैंने 36 फंदे डाले हैं, 36 डिज़ाइनर फंदे और 8 लाइन सीधा सीधा बुना है, जिससे उल्टे फंदों की धारियां 4 धारियां सामने से और 4 धारियां पीछे से आ गई हैं। उसके बाद सेकेंडरी कलर से 13 सेंटीमीटर प्लेन बुना है और हर 7वीं सिलाई में दोनों साइड में फंदे बढ़ाए हैं और हर 7वीं सिलाई में दोनों साइड में एक एक फंदे बढ़ाते हुए मैंने 13 सेंटीमीटर तक बुनाई कर ली है। 13 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाने के बाद दोनों साइड में देखिए 3 फंदे इस साइड में और 3 फंदे इस साइड में, दोनों साइड में 3-3 फंदे मुड्ढे के लिए घटा दिए गए हैं। और इतना कंप्लीट हो जाने के बाद आस्तीन को यहीं रोक देंगे। फ्रंट पार्ट में 35 फंदे डाले हैं, 35 डिज़ाइनर फंदे और 8 लाइन सीधा सीधा बुना है, जिससे 4 लाइनों की उल्टे लाइन की धारी 4 उल्टे फंदों की धारी सामने से और पीछे से आ गई है। सही सभी फंदे सीधे बना लेंगे। सभी फंदे सीधे बुनते हुए हम रॉन्ग साइड में आ गए हैं। अब पहले फंदे को ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे और स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी तरफ कर लेंगे और 6 फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये टोटल 7 फंदे हुए, यानी ये बॉर्डर के फंदे हो गए। अब उन अपनी ओर करेंगे, 7 फंदा ये हमारा सीधा हो गया। अब शेष फंदे जो है उसे हम उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि सारे फंदे उल्टा बुनता हुए हम दूसरी साइड में आ गए हैं। अब ये हमारा फ्रंट साइड है, क्योंकि डिज़ाइन 2 कलर रंग का है, इसलिए अब यहाँ पे हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और 2 फंदा सीधा बुनेंगे। हमारा ये 2 फंदा बुना जा चुका है। तीसरे फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, 1, 2 और 3 फंदा सीधा। फिर चौथे फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3 चौथे फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो इन्हीं 4 फंदों को इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरे स्वेटर में दोहराना है। एक फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदा सीधा बुनेंगे, तो 3 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे और फिर 3 फंदा सीधा, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे और यहाँ पे अब हमारा 7 फंदा ये बॉर्डर का आ गया। तो अब यहाँ पे हमें दूसरा ऊन लगाना पड़ेगा, बॉर्डर का के कलर का दूसरा ऊन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर बॉर्डर रहेगा, इसलिए यहाँ पे हमें अपने प्राइमरी कलर के ऊन को अटैच करना पड़ेगा और सभी फंदे सीधे बना लेंगे। 7 फंदे सीधे बना लेंगे और रॉन्ग साइड से भी बॉर्डर के फंदे सीधे ही रहेंगे। और ये स्लिप किया हुआ फंदा है, अब इन 2 ऐसे इसको क्रॉस कर देंगे ताकि ये आपस में बंध जाए और फिर बुने हुए फंदे, ये सेकेंडरी कलर वाले फंदे इसे उल्टा बुनेंगे और प्राइमरी कलर वाला यानी स्लिप किया हुआ फंदा वापस स्लिप कर लेंगे। तो सेकेंडरी कलर वाले फंदे उल्टा बुनते हुए और प्राइमरी कलर वाले फंदे स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन का
तीसरा लाइन और सामने से, तो तीसरा लाइन भी पहले लाइन की तरह ही बुना जाएगा, यानी कि दो फंदा सीधा, तीसरा फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, फिर स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा। तीसरा लाइन भी पहले लाइन की तरह ही हम बुन लेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और ये बॉर्डर के सात फंदे इसे सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से बॉर्डर के फंदे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और छह फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और अब इन दो फंदों को ऐसे क्रॉस करेंगे और अब स्लिप किया हुआ फंदा और बुना हुआ फंदा, यानी कि अब टोटल फंदे सेकेंडरी कलर के उनसे उल्टा बुन लेंगे। अब इस लाइन में हमें एक भी फंदा स्लिप नहीं करना है, बल्कि सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है। अब डिज़ाइन प्राइमरी कलर के ऊन से बनेगा, तो दो फंदा सीधा, तीसरा फंदा स्लिप करेंगे, फिर दो फंदा, तीन फंदा सीधा, फिर स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, फिर स्लिप करेंगे, यानी कि पहला लाइन। बस हमें कलर चेंज करना है, वुल का कलर चेंज कर देना है और डिज़ाइन पहले लाइन वाला ही रहेगा, यानी तीन फंदा सीधा बुनना है, चौथा फंदा स्लिप करना है, तीन फंदा सीधा बुनना है और चौथा फंदा स्लिप करना है, और फिर ये बॉर्डर के सात फंदे तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। और अब रॉन्ग साइड में बॉर्डर के फंदे, पहला फंदा ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे छह फंदा सीधा और फिर स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे और बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे, यानी एक फंदा स्लिप करना है, ये स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है और बुने हुए फंदे को उल्टा बुनना है, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है और बुने हुए फंदे को उल्टा बुनना है। और फिर अगला लाइन प्राइमरी कलर के ऊन से ही, इसमें भी हम फर्स्ट रो को ही दोहराएंगे, यानी दो फंदा सीधा, तीसरा फंदा स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा, फिर चौथा फंदा स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा, फिर चौथा फंदा स्लिप करना है। तो तीन फंदा सीधा बुनते हुए और स्लिप किए हुए फंदे को, या चौथे फंदे को स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। और लास्ट के ये बॉर्डर के सात फंदे तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से सात फंदे सीधे, पहला फंदा ऐसे पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे छह फंदा सीधा, तीन चार पाँच छः, उन अपनी ओर करेंगे और शेष सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। जब दोनों अपोजिट कलर के ऊन लेते हैं तो हम हमेशा ऐसे इसको क्रॉस कर लेते हैं ताकि ये आपस में बंध जाए, और ये देखिए ये जुड़ गया है, वरना ये दोनों अगर नहीं करेंगे तो दोनों ये अलग अलग रहेंगे, इसलिए हमेशा ऐसे क्रॉस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चार लाइन का ये डिज़ाइन है, एक रंग के ऊन से चार लाइन बनाने के बाद दूसरे रंग के ऊन से चार लाइन बनाया जा रहा है। तो इस पल्ले को ऐसे ही हमें बनाते ऊन बदलते हुए और डिज़ाइन बनाते हुए इस पल्ले के बराबर कर लेना है। तो ये हमारा राइट साइड का पल्ला हो गया, और अब हमें लेफ्ट साइड का बनाना है। तो इसमें भी हमने 36 डिज़ाइनर फंदे डाले हैं और
आठ लाइन सीधा सीधा बुना है, जिससे चार उल्टे फंदों की धारियां सामने से और चार पीछे से आ गई हैं। और अब प्राइमरी कलर से ही हम सारे फंदे सीधे बना लेंगे। सभी फंदे सीधा बुनते हुए हम दूसरी साइड में आ गए हैं। अब सभी फंदे, अब हम रॉन्ग साइड में हैं और सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे लास्ट के सात फंदों को छोड़कर, क्योंकि ये हमारे बॉर्डर के फंदे रहेंगे। अब सात फंदे रह गए हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। फिर हम फ्रंट साइड में हैं, सात फंदे सीधा बुनेंगे। पहले फंदे में से पर्ल वाइज डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और छह फंदा सीधा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो ये सात फंदे हमारे बॉर्डर के हो गए। अब यहाँ पे हम अपने दूसरे कलर रंग के उनको अटैच करेंगे। दूसरे कलर के उनको अटैच कर लिया है। अब पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर तीन फंदे सेकेंडरी कलर के उनसे सीधा बुनेंगे। एक, दो, तीन। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा। यानी जैसे हमने इस पल्ले में बनाया है, इसका सेम अपोजिट हमें दूसरे पल्ले में बनाना होगा। ये दोनों बॉर्डर एक दूसरे के ऊपर ऐसे आएंगे, हमें सेम इसकी तरह ही ये भी बनाना होगा। और फिर रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे उल्टे बुन लेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। और फिर लास्ट के सात फंदे बॉर्डर के हैं तो उन्हें हम बॉर्डर वाले उनसे सीधा बुन लेंगे। ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे, फिर छह फंदा सीधा, ये हमारे सात फंदे बॉर्डर के हो गए। फिर अगला फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सेकेंडरी कलर के बुनने से पहले ऐसे हम इसको क्रॉस कर लेंगे। तीन फंदा सेकेंडरी कलर के उनसे सीधा, फिर अगला फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, फिर अगला फंदा स्लिप करेंगे। तो तीन फंदा सीधा बुनते हुए और अगला फंदा स्लिप करते हुए सभी फंदे बुन लेंगे, पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड से। तो चौथे लाइन में सभी फंदे, बुने हुए फंदे और स्लिप किए हुए फंदे, सभी फंदे हमको उल्टा बुन लेना है। ये सेकेंडरी कलर के उनसे ये चौथा लाइन बुना जा रहा है और ये डिज़ाइन का भी चौथा लाइन है। फंदे ये बॉर्डर के हैं तो इन्हें हम बॉर्डर वाले उनसे सीधा बुनेंगे। चार लाइन कंप्लीट होने के बाद अब हमें प्राइमरी कलर के उनसे चार लाइन बनाना होगा। शुरुआत के सात फंदे हम बॉर्डर के हैं, उन्हें हम
प्राइमरी कलर के ऊन से बुन लेंगे। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन फंदा प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा। रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे उल्टा बुन लेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। तो हमारा डिज़ाइन चार लाइन का ही है। एक रंग के ऊन से चार लाइन बनाने के बाद अगला चार लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाना है और इन्हीं चारों लाइनों को ऊन बदल बदल के दोहराना है। तो ऐसे ही चार चार लाइन बनाते हुए हम अपने लंबाई पूरी कर लेंगे। दोनों पल्ले एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे और लंबाई पूरी करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बैक पोर्शन, ये दोनों आस्तीन और ये फ्रंट का एक पार्ट तैयार हो गया है और ये दूसरा पार्ट है। तो जब हम बॉर्डर साथ लेके बुनाई करते हैं तो कभी कभी ये बॉर्डर ऐसे नीचे की तरफ लटकने लगता है। तो ऐसी दशा में हम बॉर्डर को ना बुन के बल्कि यहीं से वापस लौट जाते हैं। पल्ले के सभी फंदे ये बुन लेंगे सिवाय बॉर्डर को छोड़ के, यहीं से हम वापस ऐसे टर्न कर लेंगे। इससे ये बॉर्डर नीचे लटकने नहीं पाएगा। तो इस स्वेटर में मैंने दो बार ऐसे किया है कि यहाँ तक आने के बाद मैं वापस लौट गई हूँ, बॉर्डर को मैंने नहीं बुना है। तो ऐसा मैंने दो बार किया है। और दूसरी बात, क्योंकि इस डिज़ाइन में ये खिंच रहा है, ये डिज़ाइन ऐसा पड़ा है कि इसे हम उतार ले रहे हैं तो ये खिंच रहा है। तो इस दशा में अगर हम ऐसे लाइन को गिन कर बनाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये पल्ला छोटा हो जाएगा। तो हम लंबाई के बराबर इसको बनाते हैं, इसमें हम लाइन नहीं गिनेंगे क्योंकि इस पल्ले में लाइन ज़्यादा है, इसके बनस्पत इसमें ज़्यादा लाइन है। लेकिन हम ऐसे नाप लेंगे और तब इसको एग्जैक्ट इसके बराबर बनाएंगे। तो दो काम ये हम करेंगे। तो मैं इसके बराबर बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है और सभी पल्लों में मैंने तीन तीन फंदे घटा लिए हैं। तो अब इसको ऐसे रखेंगे और ये राइट हैंड साइड का पल्ला है तो इसको हम उठाएंगे और फिर इसको बुनना शुरू करेंगे। तो हम अपने प्राइमरी कलर से ही बुनेंगे, बॉर्डर के सभी फंदे हम बुन लेंगे और बॉर्डर के फंदे बुनने के बाद आठ फंदे बुनेंगे, 1 2 8। उसके बाद दो फंदों को एक साथ लेंगे, 9वें और 10वें फंदे को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया, फिर आठ फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे, फिर आठ फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। अब ये ख़त्म हो गया है तो अब इसके बाद आस्तीन लगाएंगे। तो चार फंदे हुए थे, ये हुआ 5 6 7 और 8। आठ फंदे बुनने के बाद फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे, फिर आठ फंदे बुनेंगे, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे। यानी हमें आठ आठ फंदों को बुनना है और 9वें और 10वें फंदे को एक साथ लेके दो का एक कर लेना है। तो आस्तीन बुनने के बाद हम बैक का फंदा लेंगे, ये बैक पोर्शन का बुनेंगे, फिर दूसरा आस्तीन और लास्ट में हम ये सेकंड फ्रंट पार्ट बुनेंगे। तो मैं सारे फंदे बुन के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सारे
पल्ले एक ही सिलाई में कर लिए गए हैं और ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ ही फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, शेष अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।